नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां रविवार को लखनऊ के हनुमान शाखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि इस आयोजन में नगर सहकार्यवाह अरुण, शाखा कार्यवाह नागेंद्र, शाखा मुख्य शिक्षक गजेंद्र समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। संघ के वार्षिक उत्सव में प्रवासियों के साथ ही हनुमान शाखा के कई लोग मौजूद रहे। यहाँ एक बार फिर से बता दें, राजधानी लखनऊ से खबर है, हनुमान शाखा में राष्ट्रीय स्वयं संघ का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस आयोजन में नगर सहकार्यवाह अरुण, शाखा कार्यवाह नागेंद्र, शाखा मुख्य शिक्षक गजेंद्र समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। संघ के वार्षिक उत्सव में प्रवासियों के साथ हनुमान शाखा के कई लोग मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता सत्य प्रकाश शुक्ल की रिपोर्ट। हमारे बीच संघ के एक उच्च पदाधिकारी मौजूद है स्कॉर्पियो क्लब में, जहां हनुमान शाखा पे आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है आरएसएस का। ये हमारे बीच चंद शब्दों में आरएसएस के उपलक्ष, आरएसएस क्या करती है, कैसे संगठन मजबूत करती है, उसके विषय में बताएंगे अपना परिचय देते हुए। ठीक है, हमारे बीच वीरेंद्र बस्ती प्रमुख बजरंगी शाखा, डॉक्टर साहब डॉक्टर केशव राम बल राम हेडगवार ने जो है सन 1925 में विजयादशमी के दिन जो है संघ की स्थापना इस उद्देश्य से किया था कि जो है सबको एक सूत्र में जोड़ना है, देश और समाज का विकास हो सब में, इसलिए उन्होंने जो है, ताकि जो है जब देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।